अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ आलू चिकन टिक्का। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, इसको मैंने कीमा बना लिया है। और इसे बनाने के लिए मैंने दो छोटी आलू, इसको उबालकर मैंने मसल लिया है। और मैंने चना के सत्तू इस्तेमाल इसमें करूँगी, मैंने 2-3 चम्मच सत्तू इसमें डालूँगी। कूटा लहसुन अदरक आप चाहे तो इसे पीस कर भी ले सकते हैं। मैंने एक हरा मिर्च इसे काट कर रखी हूँ, थोड़ी सी धनिया, हरा धनिया आधा चम्मच से भी कम, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन पाउडर और स्वाद अनुसार नमक इसमें डालूंगी और सोया सॉस भी। कीमा में चना का सत्तू सारे चीज़ों को मिक्स करूंगी, आलू सारे मसालों को भी डालूंगी। इसमें चम्मच के अनुसार दोस्तों तेल डालूंगी। मिक्स हो चुका है, अब इसको टिक्की बनाऊंगी। इसी तरह सारे टिक्के को तैयार कर दिखाते हैं। मैंने सारे टिक्के को तैयार कर लिया है, अब मैं इसे तेल में फ्राई करूंगी। दोस्तों मैं गैस पर पैन बैठा चुकी हूँ, अब इसमें मैं तेल डालूंगी, सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना है। मैं सरसों का तेल ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें टिक्के को डालूंगी। देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया हुआ है, इसी तरह पलट कर दोनों तरफ बना लूंगी, पका लूंगी। दोनों तरफ मेरा टिक्का सिक चुका है, इसे हल्के आंच पर ही बनाना है दोस्तों, और न टिक्का जल जाएगा अंदर कच्चा रह जाएगा। अब मैं इसे निकाल लूँगी, यह टिक्का हो चुका है। ये दोनों तरफ मैंने पलट कर पका चुकी हूँ, अब मैं इसे निकालूँगी। ऐसे ही मैं बचे हुए टिक्कों को भी फ्राई कर लूँगी। सारे टिक्के फ्राई हो चुके हैं, सारे टिक्के फ्राई हो चुके हैं। मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरा आलू चिकन टिक्का कबाब तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। के साथ सर्व करें, चटनी के साथ खाएं। मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़कर, देखिए दोस्तों कितना सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है।